हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। हालांकि आज जो बात है वो 2 दिन के बाद हो रही है, और 2 दिनों के पश्चात आज आपके साथ वार्तालाप हो रही है। और तो मार्केट में किस तरीके का आउटलुक हमें लगता है इस हफ्ते के दौरान, ये तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग जो है फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं और वो चार्ट्स पर नज़र आ रहे हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव अभी होने वाला है, कुछ समय के लिए तो कम से कम। देखिएगा, ये जो मैं वार्तालाप का आपके साथ कर रहा हूँ, सिमिलर लाइन के ऊपर मैंने आपको थर्सडे के एनालिसिस में बोला था, और मैंने ये बोला था कि फ्राइडे को वीडियो नहीं आएगी, लेकिन वीकेंड के अंदर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो कल मुझे थोड़ा सा समय और नहीं लग पाया, और जिसके कारण जो है मैं आपके साथ कल वीडियो शेयर नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ जो आज बात कर रहा हूँ वो सेम कर रहा हूँ जो मैंने आपके साथ थर्सडे को की थी। और थर्सडे को देखिएगा, जब सारी ग्लोबल मार्केट वीक थी, डाउ जोन्स का फ्यूचर वीक था, मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि देखिएगा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स के ऊपर जो है बाय बनता है, शॉर्ट्स पोजिशन डेवलप नहीं करनी चाहिए एज ए ट्रेडर। और इंडेक्स के फ्रंट्स पर मुझे सिमिलर व्यू जो अभी भी लगते हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी सी तेजी अभी बाकी है। और मैंने कहा था कि टेक्निकल बाउंस बैक समझिए आप उसको, आप उसको एडजस्टमेंट समझिए, लेकिन किसी भी मायने में आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि बाजार को थोड़ा सा जो है ज़्यादा नीचे धकेल दिया गया है। और बाजार अगर नीचे भी जाना होगा तो एक बार बाजार को ऊपर जाने के लिए जो है तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाजार में गिरावटें भी आती हैं तो वो एक स्टेज वाइज आती हैं। और बाजार ओवरसोल्ड है, ये मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और उसका आपने रिएक्शन भी देखा कि निफ्टी बैंक, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो निचले लेवल्स पर लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे वो बुरे तरीके से ट्रैप हो गए। तो बाजार में क्योंकि जब कमजोरी होती है तो टेक्निकल चार्ट्स वाले बोलते हैं और मंदी होगी और मंदी होगी, और जनरली वो मंदी हुई भी, और उसके बाद लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं काटे वो देखिएगा बुरे फंसते हुए नजर आए। आप चार्ट को देखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिएगा कि ये जो पूरा नीचे का बेस था ये कंसोलिडेशन जोन हुआ है इंट्राडे बेसिस पे, फिर एक स्टेप वाइज तेजी, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेशन बेस बनाया, फिर देखिएगा शाम तक। और शाम को जो लास्ट की जो 6 कैंडल्स हैं उनमें से स्पेशली 5 कैंडल्स जो है ये इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी। अब इस इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ बाजार जो है अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो है जाने की कोशिश करेगा, जो मुझे लगता है 33,935 के आसपास जो है कहीं पर बनता है, तो वहाँ तक जो है बाजार शायद हमें गैप डाउन ओपनिंग में ही मिलने चाहिए। लेकिन अब जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 33,619, शायद ये अब एक बेस का काम करेगा, और हमें लगता है 33,935 और कुल मिलाकर 34,100 और 200 तक भी बाजार जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब फिर बहुत बड़ी तेजी करनी है। अब बाजार को यहाँ पे देखेंगे हम कि बाजार किस तरीके से टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, बाजार किस तरीके की जो है रिएक्शन करता है। क्रूड ऑयल के प्राइस भी थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, और यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट थी कि जो रिलायंस के शेयर्स में जो कमजोरी हुई उसमें दो न्यूज़ का ज़्यादा फर्क था। एक तो गवर्नमेंट ने जो है विंडफॉल जो टैक्स है, क्योंकि जो इनके रिफाइनरी मार्जिन है वो बढ़े हुए हैं, लेकिन देखिएगा रिलायंस के बिजनेस जो वैल्यूएशंस है वो बाकी बिजनेसेस की हैं, जिसकी वजह से वो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। जो कमोडिटी बिजनेसेस हैं उनकी, यानी कि O2C बिजनेस, ऑयल ऑयल टू केमिकल बिजनेस, उसमें इतनी वैल्यूएशंस नहीं मिल रही थी, लेकिन उसमें मार्जिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहे थे। तो अभी ऐसी अफवाहें थी बाजार में, या आप ये भी कह सकते हैं कि सब सच साबित होती हुई नजर आ रही है कि जो है विंडफॉल टैक्स लगेगा, या जो भी आप यहाँ पर माल बनाकर बाहर भेज रहे हैं उसके ऊपर जो है एक अच्छे खासे टैक्स जो है सरकार लगाने की तैयारी करता है। सिमिलरली आपने टाटा स्टील या बाकी जो स्टील प्लेयर्स के साथ देखा, तो इन सब का जो रिएक्शन है वो जो है नेगेटिव था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज या जो बाकी O2C बिजनेस के अंदर जो कंपनीज हैं, जो रिफाइनरी कंपनीज हैं, उन पर एक अच्छा खासा प्रेशर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन इन सब का जो असर है वो क्या होता है कि जब इंडेक्स के हैवी वेट शेयर्स को आप गिराते हैं तो बाकी जो हैवी वेट्स हैं उनको इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए उतार दिया जाता है। तो जब इस तरीके की घटना हो रही थी और हम एक फ्री फॉल देख रहे थे रिलायंस के शेयर्स में, तभी हमें ये आभास हो गया था कि यहाँ से बेस बनाकर जो बैंक निफ्टी में तेजी आई है ये बाकी फाइनेंशियल्स के अंदर भी जाएगी, या IT कंपनीज के शेयर्स के अंदर भी जाएगी, जिससे कि रिलायंस की वजह से जो कमजोरी हुई है इंडेक्स में उसको मैनेज किया जा सके। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट्स में भी देखें तो देखिए कि निफ्टी के अंदर गिरावट भयंकर थी। आप
10:15 बजे तक समझ ही नहीं पाए भाई साहब ये तेजी इतनी तेज गिरावट हो क्यों रही है। और गिरावट का मूल कारण जो है हालांकि कम होता है लेकिन बाद में रिएक्शन ज़्यादा होता है, और जब गिर रहा होता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस कटते हैं जो स्टॉक्स में लगे होते हैं, तो एक पैनिक लाइक सिचुएशन थी। और जब इस तरीके से बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और यहीं पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए और यहीं से बैंक निफ्टी ने उठना शुरू हुआ। तो जनरली यहाँ पर जो इंट्राडे के जो शॉर्ट ट्रेडर्स थे उनको बहुत बुरी तरीके से बाजार ने, जो इंडेक्स के अंदर जनरली सेलिंग करते हैं उनको बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से जो है बछाड़ लगाई। तो बियरनेस भी जो है कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, और जब बेशक से बाजार बियरनेस के अंदर चल रहे हैं यानी कि बाजार बियर है लेकिन फिर भी बाजार कभी कभी इंट्राडे इस तरीके की पोजीशंस देते हैं। उसके बाद शाम को भी घटनाक्रम पॉजिटिव हो गया कि डाउ जोन्स जो का इंडेक्स था वो सिमिलरली हमारे जैसा चार्ट उसने बना दिया कि वो बाजार खुलते हैं थोड़े से पॉजिटिव, उसके बाद नीचे जाते हैं बेस बनाते हैं और वहाँ से वो भी एक अच्छा बाउंस देते हैं यानी कि करीबन 30,500 से 31,100 के आसपास जाके बाजार बंद होते हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी सिमिलरली हमारे जैसे चार्ट है। अभी इसका असर क्या होगा कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो शायद आपको सोमवार को पॉजिटिव मिलेंगी और उसका एक इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे बाजारों पे भी होगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि गैप डाउन सॉरी गैप अप ओपनिंग जो है होने की संभावना है। तो ये हमारा व्यू है मंडे के लिए स्पेशली कि लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको कम से कम आधे से एक घंटे देखना है कि क्या शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती है, तो वहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा। तो पहला लेवल समय लगता है कि जो 15,800-15,900 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर पिछली एक्सपायरी को अगर हम देखें तो जो वीकनेस पिछली एक्सपायरी में थी उतनी वीकनेस शायद हमें इस एक्सपायरी में देखने के लिए ना मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक रहने वाले हैं और आईटी कंपनीज के रिजल्ट भी उतने ख़राब नहीं होंगे जितने कि बाजार के अंदर पिटाई हुई है। हालांकि जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग्स हैं या जो कमोडिटी बिजनेसेस हैं उनके अंदर शायद आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आए, लेकिन कुल मिला के इंडेक्स के एंगल से भी और जो बाकी निफ्टी के अंदर जो शेयर्स हैं इंक्लूडिंग द बैंक निफ्टी, हमें ऐसा लगता है कि शायद इतना ख़राब महीना नहीं होना चाहिए। और अभी एक कंसोलिडेशन के बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक जिस तरीके से आ रहा है उसका भी एक फॉलो अप जो है बाइंग अभी और देखने के लिए मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये कंसोलिडेशन जो है इसके अंदर ये गैप है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस गैप के अंदर एक बार बाजार इस महीने के अंदर जरूर जाए और वहाँ पर हो सकता है कि आगे ब्रेकआउट आ जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, फिर एक सेलिंग प्रेशर देखे। मुझे लग रहा है कि एक बार जाके शायद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाए, चाहे वो थोड़ा सा अंदर जाए 16,000-16,100 तक, देखते हैं अभी कि उसकी संभावना कितनी बनती है। तो अभी सोमवार को तो मैं 16,100-16,200 उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट बाजार एक पॉजिटिव नोट के साथ हमें लगता है कि बाजार सोमवार को जाएंगे। हो सकता है कि आफ्टरनून के बाद जो है थोड़ा बहुत जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले या ऊपर जो कन्विंसिंग अगर बाइंग नहीं आती है तो जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो शायद अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हुए नज़र आपको आ सकते हैं। तो अगर वहाँ पे फॉलो बाइंग अगर इंट्राडे के जो चार्ट्स में आपने देखी तो मतलब ये तो कल क्लियर हो गया था कि जब बाजार के अंदर हम देख रहे थे कि स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर कि यहाँ पर जब ये लेवल्स ऊपर की तरफ बाजार आए और ये कंसोलिडेशन करने के बाद और फिर यहाँ पर बेयरनेस का रिजेक्शन हो गया कि नहीं अब बाजार तेजी होगी, तो ये जो पैटर्न बना था यहाँ से इससे ही कंफर्म हो गया था कि अब जो है ट्रैप हो गए हैं शॉर्ट्स। और फिर जो बाजार ने तेजी की उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये पता चल गया था कि जब शाम के 3 बजेंगे तो 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग आई और 3 बजे के बाद की आप देखिएगा कि क्या बढ़िया तेजी हुई है। तो इंट्राडे के अंदर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे में स्विंग करते हैं उनको भी एक सीधा सीधा इंडिकेशन आ गया था कि 3 बजे के आसपास बाजार कंसोलिडेट करके फिर चल रहा, तो 10-15 मिनट के अंदर ही जो है अच्छे पैसे जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है तेजी करने वालों ने बनाए होंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई रिलायंस पर क्या व्यू है, तो देखिए कमोडिटी बिजनेस है रिलायंस के जो शेयर्स हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन गिरावट के अंदर खरीदने के मौके हो गए हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से गिरेगा और नहीं, बट 2408 रुपये का जो भाव है और 100 रुपये और लगा लो हो सकता है भी आपको कल या एक दो दिन मिल जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से ये गिरेगा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब पक्का है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक और स्टेप वाइज बाइंग करते हैं यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी भी फंडामेंटली कुछ खराब नहीं हुआ है और जो बिजनेस में वैल्यू है वो बाकी बिजनेसेस की ज़्यादा है। तो आप इसको रीथिंक करिएगा कि
किस तरीके से आप इसको देखते हैं। हालांकि टाटा स्टील में भी सिमिलर स्टोरी थी, लेकिन टाटा स्टील प्योरली कमोडिटी बिजनेस था और टाटा स्टील भी अभी भी मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसमें भी बहुत अच्छी जो है वैल्यूशंस है, लेकिन थोड़ा सा साइक्लिकल है। तो जो भी निवेश कर रहे हैं रिलायंस में टाटा स्टील में, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें। और बजाज फाइनेंस, ITC, HDFC, इन्फोसिस और बजाज फिनसर। और ITC देखिएगा, जब पूरा बाजार तेज़ था, ITC नहीं चलता था, तो मैं काफ़ी बुलिश था इस शेयर्स के ऊपर और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 300 रुपये के दायरे भी जो है आने वाले समय के अंदर क्रॉस करता हुआ नजर आए। जब पूरा बाजार मंदा है, ITC जो है अपनी तेज़ी दिखा रहा है। वैल्यूशंस वाइज देखिएगा, 300 के आसपास आप ये कह सकते हैं कि रीजनेबल वैल्यूशंस पर है, तो वो जो एक डीप डिस्काउंट जो है बाजार के सामने ITC को था, वो शायद 300 पे जाने के बाद नहीं रहेगा। तो वहाँ पर आप अपनी जो पोजीशन है अपने हिसाब से देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस, HDFC, इन्फोसिस और बजाज फिनसर, ये सब तेजी में थे। और HDFC के अंदर जो है कुछ जो है रेगुलेशन से रिलेटेड, जो एक्सचेंज से रिलेटेड परमिशन इनके पास आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो है दूरी मर्जर से रिलेटेड काफ़ी दूर है। ONGC, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और पावर ग्रिड जो है हमें लगता है कि अगर 206 रुपये के भाव आ गए हैं, 190 रुपये के आसपास अगर ये पावर ग्रिड का शेयर आपको नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट कैप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग किसी कंपनी की इसके सामने टिकती होगी, यानी कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है, वो इंडिया के अंदर किसी कंपनी की नहीं है। मार्केट कैप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप चेक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूशंस पर ये शेयर हमें लगता है। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आपको पता है कि सुबह बाजार खुले भैया क्या धराशायी तरीके से बाजार को गिराया गया, तो सब डूबने वाले शेयर्स थे, लेकिन शाम होते होते डूबने वाले कम हो गए और तेजी वाले बढ़ गए। और ITC दिग्गज खिलाड़ी, इंडेक्स मैनेजमेंट में भी देखिएगा इसकी ज़रूरत थी, तो ये देखिएगा फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स थे, FMCG के जो शेयर्स थे, उन सबको रोकने की कोशिश की गई, भाई इंडेक्स को रोकना है। और क्रूड ऑयल के प्राइस भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे थे, तो एशियन पेंट्स भी अच्छा कर रहा था। तो इस तरीके से कुल मिला के FMCG की जो कंपनीज है, और फिर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सबसे खास बात थी। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने भी रोकने की कोशिश की। ONGC सिमिलर लाइंस के ऊपर इसमें भी गिरावट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक और रीजन्स भी है, ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शायद ये पसंद नहीं आ रहा कि भाई ये जो फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, और जो बच्चे हैं मुकेश अंबानी के, वो शायद बिजनेस को उतने एफिशिएंटली चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। हालांकि आजकल प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, लेकिन अनिल अंबानी ने जिस तरीके से कंपनियों का जो हाल हुआ, वो जो है पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन चीज़ों को याद रखते हैं, शायद नए इन्वेस्टर्स इस बात को नहीं जानते हो। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, तो एक वैल्यूशंस के ऊपर वो जो न्यूज़ है वो भी रिएक्ट करती है, क्योंकि ये पहला ही दिन था जब ये ट्रेड हुआ एक्सपायरी के बाद, मंथली एक्सपायरी के बाद, तो जो सौदे बचे हुए होते थे वो भी फिर बनने के लिए आ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे भी उस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट होना था सेलिंग का, वो क्योंकि एक्सपायरी में लॉन्ग और शॉर्ट्स के जो सौदे बने होते हैं किसी स्टॉक्स में, तो वो जनरली एक्सपायरी के अगले दिन रिएक्ट करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हमें लगता है। पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, NTPC, ये सब कमजोरी में थे। बैंक निफ्टी देखिएगा पॉजिटिवली क्लोज कर पाया 0.34%। और सबसे खास बात है कि ये तो एडजस्टमेंट है लास्ट के आधे घंटे में, आप ये देखिएगा ये लास्ट प्राइस थे इसी के आसपास 33,650 के आसपास था निफ्टी उस समय पर, और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ही जो है निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी, लेकिन ये एडजस्टमेंट के बाद आपके प्राइस आपके सामने। इसके बाद यहाँ पर भी हम इस गैप की बात कर रहे थे जब ये कैंडल आई थी, तो मैंने कहा था कि भाई ये 34,200-34,300 भी थोड़ा सा सप्लाई आ रही है, पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 34,700-34,800 तक जा सकता है। तो इस बार देखते हैं कि पहले तो हमारे लिए 33,900 के ऊपर बाजार टिकता है या नहीं टिकता है देखते हैं, और 33,900 पे खुलता है या नहीं खुलता है ये भी देखते हैं। बट बाजार में मैं अभी भी वीकनेस नहीं देख रहा हूँ, मुझे लगता है या तो बाजार यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए या बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वीकनेस के दायरे अभी नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, कि मैंने आपको बोला था कि 4 तारीख से आपको बैंकों की इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी और कुछ बैंक्स तो आपको फ्राइडे को ही दे देंगे। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपनी जो है रिपोर्ट दी है, उसमें जो कासा डिपॉजिट है और जो उसकी लोन ग्रोथ बुक है वो एक्सेलेंट है, आप ये देख सकते हैं। अगर असेट्स क्वालिटी के रिस्क नहीं हुए तो आप यहाँ देखेंगे कि कल IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स में भी आप एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं, और उसका पूरा इम्पैक्ट बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी हमें लगेगा, क्योंकि जो पूरा बैंकिंग सेक्टर एज ए होल
किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो मोर और लेस जो है बैंक्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका बिजनेस एक जैसा होता है, एसेट्स क्वालिटी के रिस्क अलग हो सकते हैं, और जो बाकी दिग्गज बैंक हैं तो उनके ऊपर भी कासा के और लोन ग्रोथ्स के सेम इम्पैक्ट होंगे। तो वो न्यूज़ भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। और फिर 16 तारीख को जब HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे तो असेट्स क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें तब क्लियर होंगी। और ओवरऑल क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है और आपको और फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं तो बाजार में ऊपर जाने की गुंजाइश रहती है। और स्पेशली मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बुलिशनेस आ गई, हाँ, लेकिन रिजल्ट का वेट करेंगे। लेकिन कल भी आपको जो है काफ़ी बैंकों की इन्फॉर्मेशन जो है इस हफ्ते में भी आपको मिलेगी। कल शायद हमें उम्मीद है कि 4 तारीख को ये या तो ICICI बैंक या HDFC बैंक, इनके से रिलेटेड कुछ जो है डिपॉजिट्स की आपको मिलती हुई नज़र आनी चाहिए। HDFC बैंक तेज़ी में था, सारे बैंक तेज़ी में थे, HDFC, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड और SBI। लेकिन ICICI बैंक देखिएगा पिछले हफ्ते अच्छा किया था इसने, तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी कमज़ोर थे। और इसके साथ साथ फेडरल बैंक देखिएगा उन प्राइस पर आ गया जहां बैंक निफ्टी 36,000-37,000 पे होता था, इन्हीं प्राइस के ऊपर फेडरल बैंक था, तो इसने आउट परफॉर्म भी किया था। और मैंने कहा भी था कि स्मॉल बैंक के अंदर अगर आप जाएंगे छोटे बैंकों में, तो वैसे तो मैं छोटे बैंकों की कवायद नहीं करता, लेकिन अगर छोटे बैंकों में जाओगे तो फेडरल बैंक अच्छी पोजीशंस के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे FIIs लगातार सेल कर रहे हैं, DIIs बाय कर रहे हैं, तो ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल की है, ऑप्शन से बाइंग है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बाय कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि बाजार शायद अभी कंसोलिडेट करने के मूड में और थोड़ा अपवर्ड साइड्स में चलता हुआ नजर आए। और बाकी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ब्रेंट क्रूड ₹111 के भाव पे है, $111 पे। ऑप्शन चेन की डेटा मैं बहुत कम ऐसा देखता हूँ कि भाई साहब ऑप्शन चेन के डेटा इस तरीके से होते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा मुझे लग रहा है कि इस बार भाई साहब कॉल राइटर को फंसाने वाले हैं। लेकिन इन डेटा को अगर हम सेलर्स के एंगल से देखें तो बाजार वीक लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस अब सेलिंग करने की बजाय बाइंग करने पर आ गए हैं। और अगर बायर्स के एंगल से देखें तो ये सब ट्रैप हो गए हैं। 15,700 के ऊपर जो कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। जनरली पहले जब इंस्टीट्यूशंस कॉल राइटिंग करते थे तो बाजार को चलने नहीं देते थे। 15,600 पे पुट राइटिंग भी है, तो कॉल राइटिंग काफ़ी अग्रेसिवली हुई है। जब बाजार इतना तेज होता है जनरली कॉल राइटिंग नहीं होती है जनरली, लेकिन ये कॉल राइटिंग हुई है, तो इसका मतलब तो ये होता है कि बाजार रुकना चाहिए। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस कॉल या पुट के बायर्स हैं, यानी कि ऑप्शंस के बायर हैं, तो वो जनरली एक गैप अप जो है दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं, या प्रो अकाउंट जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हो सकते हैं। बट हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एक गैप डाउन होगी तो ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं और उसकी वजह से भी बाजार 15,900 से लेकर 16,000 के बीच में जा सकता है। तो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। ऑप्शन चेन क्योंकि अभी खाली फ्राइडे का डेटा था, ज़्यादा था नहीं। और सिमिलरली आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में इतना नहीं है जैसा कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो देखिएगा पुट राइटिंग हो गई, तो इसका मतलब है यहाँ तो जो ऑप्शन चेन है वो बता रही है कि हाँ बैंक निफ्टी मजबूत है, और जो राइटिंग हुई है वो भी कॉल साइड में ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है अभी भी कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी शायद कल भी आपको अच्छी तेजी दे सकता है। और आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।